फ्रेंड्स, क्या आपको हमेशा कमजोरी या थकान रहती है? क्या आपके चेहरे का रंग पीला है? आपके सिर में दर्द रहता है? क्या आपकी धड़कन तेज चलती है? क्या आपकी सांस फूलती है? तो ये ध्यान रहे कि आपको एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है। हमारे देश में कम से कम 50% महिलाओं को यह समस्या है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और इस वीडियो में जानते हैं कि इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके क्या कारण हैं और एनीमिया दूर करने के क्या उपचार हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में दो तरह की रक्त कोशिकाएं होती हैं, सफेद रक्त कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाएं। अगर हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि आयरन, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और विटामिन सी कैसे काम करते हैं। फ्रेंड्स, एनीमिया की समस्या तब होती है जब हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को सभी अंगों के सेल्स तक पहुंचाता है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रह जाएगी तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाएगी, परिणाम स्वरूप हमारे अंदर ऊर्जा की कमी हो जाएगी और हम थकान महसूस करेंगे। और एनीमिया की समस्या आयरन के कारण होती है। आयरन हमारे लिए क्यों जरूरी है? फ्रेंड्स, आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और हमारे अंदर खून की कमी आ जाएगी। आयरन हमारे शरीर में खाने पीने की चीजों के द्वारा जाता है, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन तब होगा जब हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी पूरा होगा, यानी कि हमारे पूरे शरीर में खून के सर्कल को आयरन, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन आदि के सही चलने के लिए विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको विटामिन सी वाली चीजों का सेवन, जैसे नींबू, संतरा आदि का सेवन जरूर करना चाहिए। ये पूरा साइकिल जानने के बाद अब जानते हैं खून की कमी के अन्य कारण। अगर हम आयरन वाली चीजें लंबे समय से नहीं खा रहे हैं तो हमारे अंदर आयरन की कमी हो जाती है। अगर हमारे पेट में कीड़े हैं तो आयरन की कमी हो जाती है। जिन लोगों के लिवर और आंतों में समस्या है तब भी शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। तो लक्षण क्या होते हैं खून की कमी होने के? हमारे चेहरे और आंखों का रंग पीला पड़ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कमजोरी और थकान महसूस होती है, सांस फूलने लगती है, नाखून जल्दी टूटने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण से परेशान हैं तो अपना हीमोग्लोबिन लेवल जरूर चेक करवाएं। तो अब जान लेते हैं कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल मात्रा होनी चाहिए 12 से 16 ग्राम और पुरुषों में होनी चाहिए 14 से 18 ग्राम। अब जान लेते हैं एनीमिया को दूर करने के उपचार के बारे में। तो इसे दो तरह से आप कर सकते हैं, एक तो अपने आहार में सुधार करके या फिर दूसरा दवाइयों के द्वारा। तो हम मेनली जानेंगे कि आहार में किस तरह से सुधार करें। चुकंदर को शहद के साथ मिक्स कर लीजिए। इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिशन वैल्यू लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने का काम करती हैं। आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, हरी मेथी खाइए, ब्रोकली खाइए, ये आयरन की कमी को पूरा करती हैं। टमाटर का जूस पीने से भी आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। अनार खाइए, अनार में काला नमक डालकर खाइए। रात में 5 से 7 किशमिश और 2 अंजीर को भिगोकर सुबह खाने से भी आयरन की कमी पूरी होती है। अगर आहार के द्वारा आपको लग रहा है कि आपकी कमी पूरी नहीं हो रही है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल नहीं बढ़ रहा है या कम होता जा रहा है, तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जांच कराएं और इसके लिए दवा लें। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।